जय भास्कर, मैं भूमिका शर्मा हटीला बैंगलोर से। आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के सामाजिक तीर्थ यात्रा संघ का स्वागत। चेन्नई से प्राप्त समाचारों के अनुसार शाकदत्त ब्राह्मण समाज जलगांव महाराष्ट्र से करीब 160 सुजातीय तीर्थ यात्रा संघ के कन्याकुमारी जाते समय चेन्नई रेलवे स्टेशन पर सभी तीर्थ यात्राओं शाकदत्त ब्राह्मण महासभा के पद अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया एवं उनको अल्पाहार के साथ यात्रा में उपयोग हेतु खाद्य सामग्री भी दी गई तथा चेन्नई सेंट्रल से एग्मोर तक आवागमन हेतु वाहनों की व्यवस्था भी चेन्नई समाज द्वारा की गई। वही अपने स्वागत एवं आभगत से अभिभूत यात्राओं ने चेन्नई शाकदत्त ब्राह्मण महासभा को धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित किया। शाकदत्त ब्राह्मण महासभा चेन्नई के चुनाव संपन्न। चेन्नई से प्राप्त समाचारों के अनुसार शाकदत्त ब्राह्मण महासभा के अगले 3 वर्षों हेतु 2024 से 2027 तक के लिए नए कार्यकारिणी के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से चेयरमैन पद हेतु श्री किशोर शर्मा कुवेरा, सह चेयरमैन श्री सत्यनारायण भरतानी, अध्यक्ष बाबूलाल मुंडियारा एवं गिरीश हटीला, सचिव श्री चेनराज भरतानी, सह सचिव चंद्रप्रकाश लल्लड़, कोषाध्यक्ष श्री मोहनलाल आशीवाल, सह कोषाध्यक्ष श्री अरविंद हटीला, मीडिया प्रभारी संदीप कुवेरा एवं दीपेश देवेरा, कार्यकारिणी सदस्य श्री घनश्याम सावलेरा, श्री दिलीप चापरवाल, श्री अरविंद सांडेसर, श्री सुरेश कुवेरा, श्री उमेश शर्मा मथुरिया, श्री दिलीप भरतानी एवं श्री रमेश हटीला को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में निर्विरोध मनोनीत हुए। नव कार्यकारिणी के सभी पद अधिकारियों एवं सदस्यों ने भास्कर भगवान के जयघोष के साथ समाज उत्थान के कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ संपादित करने की शपथ ली। वहीं जय भास्कर समाचार की तरफ से नव निर्वाचित कार्यकारिणी के सभी पद अधिकारियों एवं सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शाक्तप्रिय कैरम प्रतियोगिता 2024 का हुआ आगाज। 182 खिलाड़ी मुकाबले में हुए शामिल। बीकानेर से प्राप्त समाचारों के अनुसार स्वर्गीय श्री गंगादास जी नव भारत न्यूज सेवक की पुण्य स्मृति में शाकदत्त समाज व मारवाड़ी ग्रुप द्वारा कैरम प्रतियोगिता 2024 का आगाज 20 सितंबर को सेवकों के बगीचे में हुआ। आयोजन समिति के राजेश शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि बीजेपी नेता नरसिंह सेवक बीकानेर जनरेटर एंड स्प्रे के ओनर उमेश शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मारवाड़ी ग्रुप के शिवरतन सेवक द्वारा की गई। समिति के जिनेन्द्र शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 182 खिलाड़ियों शामिल थे तथा प्रतियोगिता 5 ग्रुप में शुरू हुई। कमिटी के नीलेश शर्मा ने बताया कि पहले दिन कुल 17 मैच खेले गए, जिसमें गर्ल्स जूनियर अंडर 20 में भाविनी सोनाक्षी, बॉयज सब जूनियर अंडर 16 में तन्मय मोहित, बॉयज जूनियर अंडर 25 में शुभम गौरव और मेल सीनियर ग्रुप में सीके भोजक शुभम, पंकज, ज्येष्ठ मोहन, संदीप, पवन, मयंक, प्रतीक और रमेश विजेता रहे। कार्यक्रम का संचालन दालिमा शर्मा के द्वारा किया गया। इस द्वारा नितिन वत्सस, आर के शर्मा, संजय शर्मा, भनवारी लाल पांडे, दिलीप शर्मा, जुगल किशोर शर्मा, तेजस जिया, तमन्ना अभिषेक एवं कृष्णा आदि उपस्थित रहे। निर्मल शर्मा कोयमतर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन राजस्थान एवं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के भूतपूर्व सदस्य श्री अशोक जी टाइगर के कोयमतुर आगमी पर विप्र फाउंडेशन कोयमतुर के सचिव निर्मल शर्मा, मनोज शर्मा द्वारा माला एवं शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया तथा विप्र समाज की प्रगति के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस अवसर पर नवीन शर्मा, निर्भय देवेरा, आयुष देवेरा तथा
बड़ी संख्या में विप्र समाज बंधु मौजूद रहे। कश्यप स्वर्ण महासभा राजस्थान के प्रदेश सचिव मनोनीत। अखिल भारतीय स्वर्ण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रदेव सिंह ने राजस्थान विशन सिंह राठौड़ की अनुशंसा पर समाज में दहेज उन्मूलन एवं सह समाज उत्थान हेतु स्वर्ण महासभा राजस्थान के प्रदेश सचिव पद पर राष्ट्रवादी विचारक एवं समाज सेवी भूपेश कश्यप को सचिव मनोनीत किया गया। कश्यप के सचिव मनोनीत होने पर शुभ चिंतकों ने बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सीडी सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष विशन सिंह राठौड़ का आभार जताया। बैंगलोर शाक्य ब्राह्मण समाज के श्री सुनील जी शर्मा, किशोर जी शर्मा चेन्नई, श्री तेजराज जी शर्मा, श्री वीरेंद्र जी शर्मा, श्री चेतन जी शर्मा, श्वेता जी कटारिया एवं जयभास्कर समाचार समूह सहित कई समाज बंधुओं ने खुशी जताते हुए हर्ष प्रकट किया। जयभास्कर समाचार की तरफ से भूपेश कश्यप को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हैदराबाद की बेटियों ने परिवार एवं समाज का मान बढ़ाया। हैदराबाद से मुकेश शर्मा ने पूरे समाज को गौरवान्वित करने वाले समाचार भेजे हैं। ब्राह्मण संघ हैदराबाद सिकंदराबाद के सदस्य उमेश जी की धर्म पत्नी सरिता जी एवं दोनों सुपुत्रियों फाल्गुनी और सुरभी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। यह कार्यक्रम विशाखापट्टनम में 22 सितंबर 2024 को आयोजित हुआ, जिसमें सभी सदस्यों ने सबसे ज्यादा क्रोशिया स्क्वायर बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया। पुराना रिकॉर्ड 20,000 स्क्वायर का था तथा नया कीर्तिमान 58,112 स्क्वायर बनाकर हासिल किया। सरिता, फाल्गुनी और सुरभि अपनी टीम महिला मनोविकास के फाउंडर माधवी जी और सदस्य सविता जी, अंशु जी, तनुजा जी और भारती जी दहिया को बहुत आभार प्रकट किया, जिनके सहयोग से यह उपलब्धि हासिल हुई। जयभास्कर समाचार की तरफ से बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। हिमांशु शर्मा की नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बधाई। बीकानेर से प्राप्त समाचारों के अनुसार समाज के होनहार युवक हिमांशु शर्मा सुपुत्र श्रीमती लीला देवी रानीधन शर्मा एवं सुपौत्र श्री सोहन जी शर्मा ने नीट परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लखनऊ स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कल्याण फाउंडेशन ऑफ इंडिया, शाकृत्य ब्राह्मण बंधु चैरिटेबल ट्रस्ट तथा भाई बंधु चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भी हिमांशु को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं के साथ परिवारजनों और माता पिता को बधाई एवं शुभकामनाएं। बीकानेर से प्राप्त गौरवपूर्ण समाचारों के अनुसार मूलंत डिडवाने निवासी श्रीमती ज्योति शर्मा और श्री राजेश जी शर्मा के सुपुत्र श्रीमती चंदा देवी, श्री लक्ष्मण चंद जी शर्मा के सुपौत्र श्री केशव शर्मा अच्छे अंकों से नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर बेंगलुरु स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलने की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कल्याण फाउंडेशन ऑफ इंडिया, शाकृत्य ब्राह्मण बंधु चैरिटेबल ट्रस्ट और भाई बंधु चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ परिजनों और माता पिता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राजस्थान शाकृत्य ब्राह्मण संघ द्वारा जैतारण समाज बंधुओं का स्वागत और सम्मान। राजस्थान शाकृत्य ब्राह्मण संघ जोधपुर की नियमित मासिक मीटिंग में आज जोधपुर संघ अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रकाश जी अबोटी, उप अध्यक्ष सुनील जी व अन्य गणमाननीय समाज बंधुओं के द्वारा जैतारण शाकृत्य ब्राह्मण समाज से पधारे गणमाननीय नागरिकों का सम्मान किया गया। मीडिया प्रभारी रामकृष्ण जांगला ने बताया कि जैतारण से पधारे समाज बंधुओं की ओर से लगभग 500 वर्ष प्राचीन भगवान शिव, भगवान गणेश मंदिर के जीर्णोद्वार और आगामी कार्यक्रमों के निमित्त संघ की समस्त कार्यकर्मी को निमंत्रित किया गया। जैतारण से पधारे श्री भगवती लाल जी, श्री सत्यनारायण जी, श्री सुरेश जी,
श्री प्रकाश जी और श्री मुकेश जी मथुरिया के प्रतिनिधित्व में संपूर्ण जैतारण समाज की ओर से संघ की नव निर्वाचित कार्यकारिणी को स्वागत और सम्मान हेतु निमंत्रित किया गया। चेन्नई से प्राप्त समाचारों के अनुसार श्रीमान प्रकाश जी शर्मा पुत्र स्वर्गीय रामराज जी शर्मा ने अपना नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। कानूनी कार्रवाई 26 साल तक चली। जयवास्कर समाचार की ओर से प्रकाश जी शर्मा को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शाक्य ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय संगठन महासचिव का चेन्नई दौरा, किशोर शर्मा से की भेंट। सर्वभौम शाक्य ब्राह्मण महासंघ राष्ट्रीय के केंद्र महासंगठन महासचिव श्री चंदन मिश्रा ने पिछले सप्ताह सपरिवार तमिलनाडु शाक्य ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष श्री किशोर शर्मा के चेन्नई स्थित आवास पहुंचे। श्री किशोर कुमार शर्मा ने परंपरागत ढंग से शॉल उड़ाकर श्री चंदन मिश्रा एवं उनकी धर्म पत्नी विभा मिश्रा का स्वागत किया। श्री चंदन मिश्रा के साथ उनकी पुत्री प्रेरणा और दामाद विकास कुमार भी साथ थे। इस अवसर पर श्री किशोर शर्मा जी की धर्म पत्नी और पुत्र वधु भी मौजूद रहे। श्री किशोर जी शर्मा ने चेन्नई में समाज के चल रहे कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विस्तृत चर्चा की। देश के विभिन्न राज्यों से चेन्नई में इलाज कराने या शैक्षणिक कार्यों के लिए आने वाले शाक्यद्वीपीय बंधुओं को श्री किशोर जी ने बहुत सहयोग करते हैं। उनके चेन्नई में रहने और गंतव्य तक जाने में भी उचित सहायता प्रदान करते हैं। चेन्नई स्थित दक्षिण के राज्य कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी संकीर्तन का काम बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा है। शोक समाचार। महाराष्ट्र जलगांव से शाक्य ब्राह्मण समाज के निकले तीर्थ यात्रा संघ में यात्रा के दौरान संघ के कन्याकुमारी पहुंचने पर अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुए हैं। संघ के यात्री श्री अनिल शर्मा पुत्र श्री बद्री नारायण जी शर्मा उम्र 63 वर्ष के की अचानक हृदय गति रुक जाने से आकस्मिक निधन हो गया, जिनके पार्थिव देह एम्बुलेंस द्वारा कन्याकुमारी से महाराष्ट्र भिजवाया गया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोक संपन्न परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं भूमिका शर्मा हतीला आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं आपको अगले रविवार पर इसी समय। महा दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय हो। जय भास्कर समाचार की तरफ से आने वाली नवरात्रियों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय भास्कर।